हे गाइस, वेलकम बैक टू द प्लस पॉइंट। और आज जो प्रोडक्ट मैं लेके आई हूँ वो है कलर करेक्टर। कलर करेक्टर्स के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। कलर करेक्टर का क्या है कि जैसे स्किन पे कहीं ब्लेमिशेस होती हैं, तो आप अगर देख पा रहे हो तो जैसे स्किन पे कहीं कहीं दाग धब्बे होते हैं आंखों के नीचे या आंखों के आसपास है कहीं, या स्किन पे जैसे कि मैं आपको यहाँ अपना हाथ दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ जलने की वजह से यहाँ पे एक निशान सा है। तो कलर करेक्टर्स क्या होते हैं? वो कलर करेक्टर्स आपके उन निशानों को छिपाने में हम मदद करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को लगता है कि फाउंडेशन से छिप जाएगा, तो फाउंडेशन क्या है कि वो आपका एक शेड कम कर देगा उस कलर, लेकिन वो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करता। तो उसके लिए कलर करेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट खरीदा है, जिसमें कि कंसीलर है, कंटूर के लिए भी है, प्लस इसमें कलर करेक्टर भी है। तो मैं आपको इसे खोल करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या होते हैं। तो ये देखिए, ये है कलर करेक्टर, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें कुल 6 कलर्स हैं। पर्पल है, येलो है, ये लाइट येलो है, ये लाइट सी ग्रीन है, फिर ये ब्राउन है, और ये थोड़ा सा टैन ब्राउन है, और बीच में है आपका ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर ही यूज़ होता है कलर करेक्शन में, आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, इसे अलग अलग स्किन टोन्स के हिसाब से आपको ब्लेंड करके फिर इसे बनाना पड़ता है। जैसे कि आपको एक पैलेट पे या किसी प्लेट पे या अपने हाथों पे पहले आप दो कलर्स को मिक्स करके बनाएंगे, फिर आपके कलर टोन के हिसाब से चीज़ें बनेंगी और फिर वो कंसील करेगा। तो फिर मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ कलर करेक्टर का काम क्या होता है। मैं ये देखिए ऑरेंज वाले को यहाँ ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये इस पैच को आप देखते जाइए जो यहाँ ब्लैक है, तो इस पे मैं कलर करेक्टर लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और साथ में मैं इसका जो येलो वाला है लाइट, उसे भी मिक्स कर दूँगी। और अब मैं इसे इस तरीके से हाथों से ही मैं इसे ब्लेंड करूँगी। आप इसे ब्लेंडर से, ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं, आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो वो मेरा पैच था, मैंने ये अनकट वीडियो बनाया है। आई एम नॉट अ ब्यूटी एक्सपर्ट, मैं एक जनरल यूज़ करती हूँ। ये देखिए, वो जो डार्क पैच था वो लगभग गायब हो चुका है, और इधर की एरिया आपको थोड़ी सी ऑरेंजिश लग रही होगी। अब जब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगाऊंगी तो ये भी ढक जाएगा। तो कलर करेक्टर्स का काम यही होता है कि दाग धब्बों को ये बहुत इजीली छुपाता है। तो ये देखिए, वो जो डार्क पैच था नियरली वो यहाँ से फिनिश हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ किया, तो वो तो छुप गया। और जो थोड़ा सा ऑरेंजिश लुक आया है, जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और स्किन में पेनिट्रेट कर जाएगा, तो फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, जेल बेस्ड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, वो सीसी क्रीम है, कोई सा भी अच्छे से इस पर लगा करके आप ब्लेंड करेंगे, तो जो आपका ब्लेमिशेज है या जो भी है वो बिल्कुल छुप जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा, ये अलग अलग कलर्स के अलग अलग ट्यूब आते हैं। जैसे जो लोग कलर करेक्टर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो लोग इन सारे कलर्स को अलग अलग भी ले सकते हैं। और इनसाइड का बहुत ही अच्छा आता है प्रो कंसीलर, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिए। अगर आपको कंसीलर ज़रूरत है, कलर करेक्टर की ज़रूरत है, तो एक बार आप इनसाइड का प्रो कंसीलर ज़रूर यूज़ कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है।